सो इफ पॉसिबल आप अगर चाहें तो वीडियो में आ सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, आप ऑडियो में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा मैं तो कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट बैच में जैसे मैंने ज्वाइन किया आपसे, फर्स्ट टाइम जब मैंने बात किया था, आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे रिलेटेड टू डिजाइनिंग एंड, तो मैं ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने शांतिनिकेतन विश्वभारती वेस्ट बंगाल से मैंने ग्रेजुएट किया था, ये बताया था मैंने आपको। यहाँ पे कुछ चीजें जो है मैं आपको, मैंने अब इंटरव्यू सेशन चल रही है इसमें मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो 4 साल में किया है उस वो मैं जस्ट कर रही थी, लेकिन वहां पर मुझे कुछ ना कुछ कमी फील हो रही थी। इवन दो कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हजारों के स्टूडेंट आते हैं इंडिया से, बाहर से भी बहुत सारे, मतलब ऐसा, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो डिजाइनिंग सिखाई जाती है, जो प्रोसेसिंग बताई जाती है, तो वहाँ पे वो बहुत पुराने तरीके से और वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही थी कि आज हम मतलब इतने साल देकर, 4 इयर्स का ये रहता है कोर्स रहता है, तो 4 इयर्स में हम अगर कुछ मार्केट ओरिएंटेड चीजें ना करें तो उसके निकलने के बाद वहां से फिर हम कहाँ जाएंगे। अगर हम कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई प्रिंटिंग हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम फिर हमारे पास तो वो स्किल नहीं है कि हम जाके वहाँ पे, मैंने जो चल रहा है उसका अनुसार से हम अपना काम दे पाए। तो मेरी जर्नी, मतलब सर्चिंग मेरे पहले से थी कि ऐसा कुछ है जो मैं डिजाइनिंग इन कंप्यूटर कर सकती हूँ कोई सॉफ्टवेयर में, जैसे फोटोशॉप में यूज करती थी पहले भी, लेकिन डिजाइनिंग के फील्ड में आके मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँ, ये फुल्ली क्रेडिट, मतलब यहाँ पे मैं आने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसे डिजाइनिंग में इतना अच्छा है, मतलब मैं अपना क्रिएट कर सकती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका ड्रॉइंग अच्छा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट मतलब कुछ नहीं है तो आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, खाली एक विलिंग, एक विल पावर चाहिए। तो यस 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 जी, यहाँ पे आपके वीडियोस में काफी दिनों से मैं फॉलो कर रही थी, आपका डिजाइनिंग बताने का तरीका इतना क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब आपकी मतलब ट्यूटोरियल्स देख के वन टाइम में कोई नया स्टूडेंट भी समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे, ये प्रोसेस ऐसे वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे बात किया कि मुझे ज्वाइन करनी है, और मैं तब तक ये नहीं जानती थी कि मतलब इसका रिजल्ट इतना अच्छा मुझे मिलेगा। टिल नाउ मैं जो अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं आगे भी बताऊंगी इसके बारे में। तो वहां से जब मैंने स्टार्ट किया, आपके साथ जुड़ी और आप लाइव क्लासेस होते थे उसमें डाउट्स होते हैं, तो ये जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग छोटे छोटे चीजों में अटक जाते हैं, उस टाइम हम किसे पूछे या फिर कैसे, तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब, और इतने क्लियरली आप बताते हैं, मतलब कि वन टाइम टू टाइम्स अगर स्टूडेंट ना समझे फिर भी आप उसको और क्लियरिटी के साथ जब तक वो समझ ना जाए आप पूरी मेहनत करते हैं, ये चीज मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम आपने बता दिया, सेकंड टाइम अगर मान लीजिए उसी चीज में और भी अगर कहीं कोई पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो स्टिल हम आपसे पूछ सकते हैं, मतलब एनी टाइम एनी हाउ, मतलब कैसे भी हमें अगर कोई इशू होती है, कोई प्रॉब्लम छोटी से छोटी होती है, हम लाइव क्लासेस हुआ या कोई मैसेज के थ्रू भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये चीज बेस्ट है, अभी तक मुझे जितना भी मैंने दूसरे भी स्टूडेंट से मैंने बात किया जो दूसरे इंस्टीट्यूट में करते हैं जो वहाँ पे, तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है, यहाँ पे मैंने जो देखा जो ये तरीका बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट एनी टाइम फ्री है आपसे बात करे, चैट करे, या फिर कोई प्रॉब्लम इशू हुआ आपसे क्लियरफाई कर सकता है, तो ये चीज क्या कर रहे हैं जब हमारा कोर्स करिकुलम में ज्वाइन आपने नहीं किया थे, तो उस टाइम का आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जस्ट आपको थोड़ा सा 2-3 वर्ड में आप बता पाए तो अच्छा रहे। जी अभी मैं एक्चुअली डिजाइनिंग रिलेटेड ही कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन जो मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब जो डिजाइनिंग मेरी खुद की होती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कुछ कराती हूँ, जैसे आपके कुछ बॉक्सेस के ऊपर कुछ डिजाइनिंग हुए, जो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कुछ डेकोरेशन की चीजें होती है, वॉल हैंगिंग्स हुआ, फोटो फ्रेम हुआ, इस टाइप के कुछ चीजें अभी मैं ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी जर्नी अभी मैंने प्रोसेसिंग में है, इसके बाद से मैंने खुद का वेबसाइट भी इस पर क्रिएट करूंगी,
और मैं अपना ओन बिजनेस ग्रो करूंगी।